क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो बातें कही थी, जो मीटिंग हुई थी 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर, उससे जुड़ा कोई निर्देश दिया गया था? बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभागों को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? आपने जो अभी तक काम किया उसी विभाग में आगे बढ़ेंगे? विभाग कोई नहीं, जो भी भाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। अभी जैसा हम अगर देखें बिहार को लेकर, बिहार में जो मंत्रियों को लेकर कई नाम उसमें सामने हैं, आपको लगता है कि बिहार को प्रतिनिधित्व के मामले में खास स्थान मिला? मिला है प्रतिनिधित्व, सब मिलके काम करेंगे बिहार के। एनडीए घटक दलों की जो भागीदारी एक तरह से कही जा रही थी, आपको लगता है कि वो जो अभी तक खींचा जा नहीं रही, या जो अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे, उसका समाधान हो गया? पता नहीं आप किस समाधान की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में है। एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा। सर एक अंतिम सवाल, अभी जो आपने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे सीटों को लेकर कि बीजेपी जिस संकल्प को लेकर चल रही थी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ और एक तरह से वो सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, राहुल गांधी से नहीं पूछे, उन्होंने वो कहते थे 100 सीटें नहीं मिलेगी, अपने 10 केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहना? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयास के बाद जननायकर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति। दूसरी तरफ अभी आप प्रधानमंत्री के रेस्ट आ रहा है जिसमें सारे मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने 100 दिन के रोड मैप की भी चर्चा की है, हाँ। क्या मैसेज दिया है उन्होंने आप लोग को, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो भारत के काम हैं, जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। बिहार के लिए भारत में ही बिहार है और बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर केंद्र के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य विचार करने के बाद आगे बढ़ेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे, इतनी एक सूचना है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करें। हरियाणा के साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्ण पाल जी, दोनों लोग आते। सर तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता है नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है सर?
जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। तो सर एक सर ये चीज बता दीजिए, किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उनको पता है। हमको जरूर चार कार्ड मिले हैं कि उन चार कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। आप शुभकामनाएं ले रहे हैं सर, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, क्या कहना चाहेंगे? सिंपल सा, देश की सेवा का सौभाग्य। जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मन सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, पर जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। 100 दिन के एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि उनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हुए हम लोग साक्षी बन रहे हैं और यह अवसर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से देश ही नहीं दुनिया वाकिफ है और उनका योग्य नेतृत्व इस बात के लिए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा है। आने वाले कल में उनके नेतृत्व में जनता के सहयोग से भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा।